गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। अरस्तु से पहले उनके गुरु प्लेटो के द्वारा दास्ता के विचार दिए गए थे। उन्होंने अपने विचारों में स्पष्ट रूप से दास्ता शब्द का प्रयोग नहीं किया था। प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को सामाजिक ढांचे में सबसे नीचे के स्तर पर रखा था। अरस्तु का दास प्लेटो का उत्पादक वर्ग ही है। यद्यपि अरस्तु ने इस विषय पर भिन्न रूप में और विस्तार से लिखा है, प्लेटो को दास वर्ग से घृणा थी, इसीलिए उन्होंने उसके विषय में कम से कम लिखा, जबकि अरस्तु इस वर्ग को समाज के लिए आवश्यक और उपयोगी मानता था, इसीलिए उसने इसकी चर्चा विस्तार से की है। उन्होंने रिपब्लिक के भाग दो में दास्ता पर विस्तार से चर्चा की है। अरस्तु ने स्वयं कहा है कि परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार की संपत्ति की आवश्यकता होती है। संपत्ति एक निर्जीव साधन है और दास एक सजीव साधन है। अरस्तु ने अपने समय में यूनान के समाज में तीन वर्ग बताए, एक नागरिक, दूसरा विदेशी और तीसरा दास। उसके अनुसार नागरिक वे व्यक्ति हैं जो शासन के कार्यों में भाग लेते हैं, उन्हें राजनीतिक और सामाजिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशी वे व्यक्ति हैं जो दूसरे देश के नागरिक थे और व्यापार के लिए किसी राज्य में रहने लगते हैं, उन्हें केवल राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तीसरे वर्ग में उन्होंने दास का शामिल किया। दास का कार्य है अपने स्वामी को आर्थिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग देना ताकि उसे अधिक से अधिक अवकाश की प्राप्ति हो, और दास को उन्होंने किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए हैं। अब हम देखते हैं अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों को। अरस्तु के शब्दों में कहा गया है, जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का और बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। अर्थात जिस प्रकार जो म्यूज़िक के अंदर इंस्ट्रूमेंट हैं वो संगीत को और अच्छा बनाते हैं, उसी प्रकार जो दास है वो स्वामी के जीवन का संपूर्ण विकास करने के लिए आवश्यक है। तो अब हम अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों को निम्न टॉपिक्स में देखेंगे। यूनानी दास्ता का स्वरूप। यूनानी समाज का जो आधार है वो दास प्रथा रही है। दास प्रथा की उपस्थिति यूनानी नगर राज्यों की एक प्रमुख और महान विशेषता रही है, और जो अरस्तु ने दास्ता के विचार लिए वो उन्होंने यूनान के एक शहर एटिक से प्रभावित होकर लिए। एटिक एक नगर राज्य था, अरस्तु के मस्तिष्क में वहाँ की दास प्रथा थी और उसी दास प्रथा को के बेस मानकर उन्होंने अपने दास्ता संबंधी विचार दिए। तो एटिक में दास प्रथा में दास को परिवार का ही अंग समझा जाता था। उसका रहन सहन, वेशभूषा परिवार के सदस्यों की भांति ही होता था। उसके साथ सामाजिक और कानूनी दृष्टि से असमानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। राज्य की तरफ से उसे संरक्षण प्राप्त था। तो इस तरह हमने देखा कि जो अरस्तु के दिमाग में जो उसका मॉडल था एटिक की दास प्रथा, वो अमानवीय नहीं थी। वो दासों को समान अधिकार देते थे, वहाँ उनका शोषण या उत्पीड़न नहीं होता था। इसी विचार को अपने मस्तिष्क में रखकर अरस्तु ने दास्ता के विचार दिए हैं। अब हम देखते हैं अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है और उसका दास्ता का अर्थ और उसकी प्रकृति। अरस्तु ने कहा है, जो स्वभाव से अपना नहीं लेकिन दूसरे का है वह दास है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्योंकि गृहस्थियों के सहयोग से बनता है, इसीलिए दास प्रथा को समझने के लिए हमें गृहस्थी के प्रबंधन को समझना होगा। परिवार के
प्रमुख अंग हैं। उन्होंने परिवार के अंग बताए, स्वामी, दास, पति पत्नी, पिता और संतान। उसके अनुसार संपत्ति गृहस्थी का हिस्सा है। संपत्ति दो प्रकार की बताई, सजीव और निर्जीव। सजीव में उन्होंने दास, हाथी, घोड़े, पशु आदि को शामिल किया। निर्जीव में मकान, खेत, अचल संपत्ति आदि को शामिल किया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तु ने दास को मनुष्यों की श्रेणी में ना रखकर उपकरणों की श्रेणी में रखा। दास परिवार की संपत्ति है, उसका उपकरण है। दास का महत्व परिवार के कारण है, उससे पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब हम देखते हैं अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दासता के जो अर्थ हैं, उससे हमारे सामने कौन सी तीन बातें स्पष्ट होती हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपना नहीं दूसरे का है, फिर भी मनुष्य ही है, वह दास है। वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है और दूसरे के अधीन है, वो दास है। संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है, जिसे संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है, वह दास है। अब हम देखेंगे अरस्तु के दासता का औचित्य। दासता का उन्होंने अपने दासता संबंधी जो विचार दिए, उसका औचित्य बताया, मतलब उसके समर्थन में पॉइंट बताए। पहला है, दासता एक प्राकृतिक संस्था है। तो इसमें क्या कहा है उन्होंने, दासता एक प्राकृतिक संस्था है। ये कहते हैं कि जो दास है वो अप्राकृतिक नहीं है। मानव प्रकृति रूप से असमान होते हैं, जैसे कुछ व्यक्ति ज़्यादा गुणवान योग्यशाली होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो जो कम बुद्धि वाले और कम विकसित व्यक्ति हैं, उन्हें ज़्यादा बुद्धि वाले व्यक्तियों का आज्ञा का पालन करना चाहिए, यह प्रकृति के अंदर ही निश्चित है। अतः दासता एक प्राकृतिक रूप से औचित्यपूर्ण है। दूसरे उन्होंने कहा कि दासता स्वामी और समाज के लिए लाभप्रद है। इसमें वो कहते हैं कि जो दास है उसका पूर्ण रूप से समाज, मानसिक और व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ, और जब दास अपने स्वामी के साथ रहता है तो इससे उसका पूर्ण बौद्धिक, नैतिक, विवेक का विकास होता है। और जो स्वामी है उसको दास के कारण अपने कार्यों में छूट मिलती है, सुविधा मिलती है, तो जिससे उससे दोनों का ही विकास होता है। दास की दृष्टि से ही दास प्रथा उपयोगी है। इसमें वो कहते हैं कि दास प्रथा से समाज और स्वामी को तो लाभ है ही है, स्वयं दास को भी बहुत लाभ है। दास क्योंकि विवेक शून्य प्राणी है, किंतु बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों के संपर्क में जब वो रहता है तो इससे उसका विवेक और गुणों का विकास होता है। आर्थिक और राजनीतिक लाभ। अरस्तु के समय दास प्रथा लगभग संपूर्ण यूनान में प्रचलित थी। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से यह सामाजिक स्थायित्व का एक अनिवार्य अंग बन गई थी। यूनानी नगरों में दास वर्ग पर भी समस्त अर्थव्यवस्था स्थिर थी। मतलब जो यूनान की अर्थव्यवस्था थी वो दास प्रथा पे ही आधारित थी, और वह वहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। उसके बाद है, समय प्रकृति ही दासता और स्वामी तत्वों से युक्त होती है। स्वामी और दास के परस्पर संबंधों के आधार पर अरस्तु ने दासता को उचित ठहराया है। उसने कहा है कि जो संपूर्ण नेचर है वो भी दो चीज़ों में विभाजित है, एक शासक और एक शासित। बुद्धि आत्मा का गुण है जो शरीर पर शासन करती है, इसीलिए बुद्धि प्रधान है और जो वासना है वो गौण है। आत्मा हमेशा शासक होती है और शरीर है वो शासित होता है। यही स्थिति उन्होंने स्वामी और दास की बताई है। अब हम देखेंगे दासता के प्रकार। दासता के दो प्रकार बताए हैं। दो प्रकारों में उन्होंने पहला बताया है प्राकृतिक दासता। प्राकृतिक दासता में दास वही व्यक्ति है जिसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ।
जो व्यक्ति बौद्धिक अंतर के कारण आज्ञा पालन करने में समर्थ होता है उन्हें दास माना जाता है, और जो बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका है वह स्वामी। और इसमें उन्होंने दूसरा प्रकार बताया है सामरिक और वैधानिक दासता। कभी कभी प्राकृतिक गुणों के विपरीत भी व्यक्ति दास बना लिए जाते हैं। इस श्रेणी में युद्ध में पराजित किए व्यक्ति आते हैं। एक तो है मतलब प्रकृति ने व्यक्ति का विकास नहीं किया, वो कुछ असामान्य है, बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को दास बना लो। दूसरा उन्होंने कहा है सामयिक या वैधानिक दासता। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे मतलब जब युद्ध होता है और युद्ध के अंदर जो पराजित राज्य है वहाँ के व्यक्तियों को दास बना दिया जाता है, तो युद्ध बंदियों को दास बनाने को वो न्याय संगत ठहराने के लिए अरस्तु ने विजेता को बौद्धिक गुणों से संपन्न होना आवश्यक बताया है। अब आगे हम देखते हैं, अरस्तु ने दासता के संबंध में कुछ शर्तें भी बताई हैं। पहला है प्राकृतिक और कानूनी दासता के संबंध में शर्त। तो इसके संबंध में वो क्या कहते हैं, अरस्तु ने कहा है कि दासों को दो श्रेणियों में विभक्त है, एक तो है प्राकृतिक, दूसरा है कानूनी। प्राकृतिक दास वे हैं जो शारीरिक दृष्टि से जिनका विकास नहीं हुआ, विवेकहीन होते हैं। कानूनी दास वे हैं जो युद्धबंदी होते हैं। दूसरी श्रेणी के संबंध में उनकी शर्त है, उन्होंने कहा है कि जो यूनानी हैं उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता, दासों के प्रति व्यवहार है। तो जैसा कि उन्होंने यूनान के एटीक शहर में देखा था न्याय संगत व्यवहार होता था, तो अरस्तु ने कहा है कि दासों का पालन पोषण और उनसे व्यवहार है वो उचित प्रकार का होना चाहिए। ऐसा करना स्वामी और दास दोनों के लिए ही लाभदायक होता है। यूनानी दास नहीं हो सकते, यह उन्होंने अपने कानूनी दासता के संबंध में शर्त दी है। उन्होंने कहा है कि जो यूनान के लोग हैं वो योग्यता और क्षमता से परिपूर्ण होते हैं, और अगर वो युद्ध में पराजित भी हो जाएं तो भी उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता। दूसरा उन्होंने नेक्स्ट विशेषता जो बताई है वो है दासता जन्म मूलक नहीं। तो जो अरस्तु के विचार हैं वो आजीवन दास की बात नहीं करते हैं, और वो ये भी नहीं कहते हैं कि दास है तो दास प्रथा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। उन्होंने कहा कि मतलब दास प्रथा है वो विवेक पर आधारित है, विवेक का विकास नहीं हुआ तो दास हैं। अगर व्यक्ति में बुद्धि और विकास विवेक का विकास हो जाता है तो उसे दास से मुक्त कर दिया जाएगा, और उसके आने वाली संतान है वो अगर विवेकशील है तो वो दास नहीं होंगे। अब हम देखते हैं अरस्तु की आलोचना है वो विभिन्न विद्वानों के द्वारा की गई है विभिन्न आधारों पे। तो पहला आधार है अयुक्ति युक्त। इसके अंदर विचारक कहते हैं कि अरस्तु की दासता का विचार इस मान्यता पर आधारित है कि मानव समूह को गुणों और योग्यता के आधार पर उच्च वर्ग और बुद्धिहीन निम्न वर्ग में बांटा जा सकता है, लेकिन वो कौन से गुण हैं, किस आधार पर उनकी जांच की जाए, इसके बारे में कोई निश्चित आधार नहीं है। मापदंड की समस्या। अरस्तु ने मापदंड नहीं बताए हैं भाई ये गुण होंगे तो व्यक्ति स्वामी होगा, ये गुण होंगे तो दास होगा, तो किस मापदंड पे ये तय किया जाए ये निश्चित नहीं है। सामाजिक असंतोष। अरस्तु ने समाज को दो वर्गों में रचना की है, जिससे सामाजिक असंतोष का मार्ग है वो बढ़ेगा, समाज के अंदर अव्यवस्था और उपद्रव होंगे। प्रतिक्रियावादी। अरस्तु के दासता को समर्थन देना समानता और स्वतंत्रता के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त यूनानियों को दास न बनाए जाने का उनका विचार है वो जातीय अहंकार का द्योतक है। विरोधाभास। उनके विचारों में अनेक विरोधाभास हैं। जब दास सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकारों से वंचित रहता है तो वह अपनी पूर्णता और आनंद कैसे प्राप्त करते हैं। एक तरफ तो उन्होंने दास को कोई अधिकार ही नहीं दिए, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब उसका पूर्ण विकास हो जाएगा तो वो दास नहीं रहेगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं। अमनोवैज्ञानिक और अव्यवहारिक सिद्धांत। अरस्तु के दासता संबंधी जो विचार हैं वो अमनोवैज्ञानिक हैं,
क्योंकि दास के समय की इच्छाएं, भावनाएं, अनुभूति आदि पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। दास और स्वामी की मित्रता नहीं हो सकती है। ये हास्यप्रद विचार है उनका कि दोनों को लाभ मिलेगा। अरस्तु के सिद्धांत में सभी दास हैं। यदि संसार में उन्होंने बुद्धि विवेक के आधार पे जो उच्च है उसको स्वामी माने, तो कोई भी मतलब ऐसे वर्ग नहीं है जो समान हो, और समान नहीं हो सकते। इस प्रकार हर व्यक्ति अपने से शक्तिशाली का दास हो जाएगा। अरस्तु के दास्ताविषयक सिद्धांतों सामाजिक समस्याओं का हल है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। जो अरस्तु ने विचार दिया वो उन्होंने अपने समय में जो दास व्यवस्था देखी उसके आधार पर दिया, ना कि उन्होंने कोई नवीन सिद्धांत पेश करने का प्रयास किया है। अरस्तु के सिद्धांत में दास न मानव रह जाता है न ही पशु। वाकर ने कहा है कि उनका सिद्धांत है वो मनुष्य को ना, जैसे वो उसे जीवित संपत्ति मानते हैं, तो वो ना तो निर्जीव वस्तु है और ना ही सजीव। तो संक्षेप में हमने देखा कि अरस्तु के जो विचार हैं दासता के संबंध में, वह अवैज्ञानिक, असंगत और मानव विरोधी हैं। इवनस्टीन ने लिखा है, उसकी दासता संबंधी स्वीकृति ये सिद्ध करती है कि किस प्रकार एक बुद्धिमान और महान दार्शनिक अपने समय की व्यवस्थाओं का और उन पक्षपातों का बंधी होता है और उन संस्थाओं को तर्क द्वारा उचित